एक तरफ सऊदी अरब के जिहाद में रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने पर चर्चा चल रही है और दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें उसने रूस के कई ड्रोन को नष्ट कर दिया। रूस का कहना है कि उसने एक हफ्ते में इस तरह के तीसरे हमले में मॉस्को की ओर जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। 137 दिन बाद राहुल गांधी की संसदीय बहाल कर दी गई। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे के करीब गाड़ी से संसद भवन पहुंचे। इस दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद गेट पर राहुल का स्वागत करने के लिए खड़े थे। सांसदों ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए। राहुल ने फिर सभी को नमस्कार किया। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोशन ड्राइवर का हाईकोर्ट में सुओ मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए। बिहार में जातीय गणना पर रोक की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 80% काम पूरा हो चुका है, 90% पूरा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुबह ज्वाइंट ऑपरेशन में LOC के पास दो आतंकवादियों को मार गिराया। ये आतंकी LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जम्मू के PRO लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील वर्तवाल ने बताया, ऑपरेशन अभी जारी है। पिछले 24 घंटे में सेना ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को ढेर किया। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 50 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 47 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 65 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69,26,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.9 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नवाबशाह जिले में एक रेल हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, 80 लोग घायल हैं, इसमें से 31 की हालत गंभीर बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस सहारा स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। कुछ बोगियां पलटकर पास के एक तालाब में भी गिर गई। अब तक 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 31 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भारतीय सराफा बाजार में बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन की तुलना में आज चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोना महंगा हुआ है। सोने की कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे है। वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,345 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव 71,925 रुपये किलो हैं। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 65,353 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 80 अंक की तेजी देखने को मिली, ये 19,597 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। M&M के शेयर में आज 4% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है।